आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।
से किया तुम पार्श्व के उपसर्ग का विनाश। तब से हुआ जैसे आपका त्रिलोक में प्रकाश। इंद्रादि ने भी आपके गुण में किया होलास। किस वास्ते के इंद्र खास पार्श्व का है दास। जिन शासनी हंसासनी पद्मावती माता, मुझ चार दे फल चार दे पद्मावती माता। जवली पद्मावती मैया की जय। हेलो, और आइए महामंत्र नवकार से प्रारंभ करते हैं, आगाज करते हैं, जो कि सभी पापों का नाश करने वाला है, सभी पापों का क्षय करने वाला है। ऐसे मंत्रों के सरताज को ध्याते हुए चलते हैं। नमोकार मंत्र है न्यारा, जिसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भव जल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो बजायणम, नमो लोए सप सप सहनम, नमो लोए सव्य साहुणम। और आइए मीठी मीठी ताली बजा कर सभी से मेरा भार भी जितने हुए सब बैठे हैं, और यदि हो सके तो अंदर आ जाए, अंदर काफी जगह है। और आइए नवग्रह उसके रहे पक्ष में, ओ हो नवग्रह उसके रहे पक्ष में, नवग्रह उसके रहे पक्ष में, जो जप ले नौ बार। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। नवग्रह उसके रहे पक्ष में, नवग्रह उसके रहे पक्ष में, जो जप ले नौ बार। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नमोकार नमोकार महामंत्र। जय हो। शावक इसको जपके मुनि संत हो गए, शावक इसको जपके मुनि संत हो गए, संतों ने जपा तो अरहंत हो गए, संतों ने जपा तो अरहंत हो गए। शावक इसको जपके मुनि संत हो गए, संतों ने जपा तो अरहंत हो गए। अरहंतों के लिए खुल गए, अरिहंतों के लिए खुल गए मोक्ष महल के द्वार। नमोकार 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 महामंत्र। ताली बजा के Oh,
इतने चमत्कार हुए इस महामंत्र से। मैना सुंदरी के स्वामी की काया हुई कंचन, मैना सुंदरी के स्वामी की काया हुई कंचन, मैना सुंदरी के स्वामी की काया हुई कंचन, मैना सुंदरी के स्वामी की काया हुई कंचन। सेठ सुदर्शन को सूली से प्राप्त हुआ सिंहासन, सेठ सुदर्शन को सूली से प्राप्त हुआ सिंहासन, मैना सुंदरी के स्वामी की काया हुई कंचन, सेठ सुदर्शन को सूली से प्राप्त हुआ सिंहासन। सोमा ने किया जाप तपिशधर, सोमा ने किया जाप तपिशधर, नाग बना मणिहार। हाँ जी, नमोकार नमोकार, नमोकार नमोकार। पीछे वालों का ध्यान ही नहीं है। हाँ जी बोलो ना फिर, नमोकार नमोकार। हाँ जी इधर से भी, नमोकार नमोकार। हाँ जी आप भी अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए चलिए, नमोकार नमोकार। आओ जी, नमोकार नमोकार, महामंत्र नमोकार, नमोकार नमोकार, महामंत्र। चोरने मंत्र जाप किया आधा और अधूरा, अंजन चोर ने मंत्र जाप किया आधा और अधूरा, अंजन चोर ने मंत्र जाप किया आधा और अधूरा, अंजन चोर ने मंत्र जाप किया आधा और अधूरा। आडम ताडम कहने पर भी फल मिला पूरा, आडम ताडम कहने पर भी फल मिला पूरा, अंजन चोर ने मंत्र जाप किया आधा और अधूरा, आडम ताडम कहने पर भी फल मिला पूरा। सोमा ने किया जाप तपिशधर, सोमा ने किया जाप तपिशधर, नाग बना मणिहार। नमोकार नमोकार, जब बोले नमोकार महामंत्र की जय हो। और आइए आदरणीय मान सो जी, और मंद मंद मुस्काए, आओ नजर उतारे मैया की, आओ नजर उतारे मैया की, मेरी माँ को नजर ना लग जाए। हाँ जी, कौन कौन आए आज नजर उतारने के लिए? ऐसे पूरे हाथ खड़े कीजिए ना। हाँ जी पीछे तक भी आए हो तो खड़े हो जाओ, एक बार आइए, एक बार वो परिवार खड़े हो जाए पहले जिनके यहाँ आज ये चौकी है। कहाँ है, नाम क्या है? अच्छा आ जाइए जी। और आइए महारानी को आज भक्ति के साथ मनाएंगे। कहीं माँ को नजर ना लग जाए। और आइए झूम के आएंगे, आओ जी। रेडी वन टू, रेडी वन टू थ्री फोर। कर बैठी माँ सज
गज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए, सज गज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। आओ नजर उतारे मैया की, आओ नजर उतारे मैया की, आओ नजर उतारे मैया की, आओ नजर उतारे मैया की। मेरी माँ को नजर ना लग जाए, तेरी माँ को नजर ना लग जाए, सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। हेलो,
माँवती मैया की जय हो गई। सारे कहते हैं करामात हो गई, तब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई, तब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई। सारे कहते हैं करामात हो गई, सारे कहते हैं करामात हो गई। किस्मत बुलंद रातों रात हो गई, जिसकी हो गई है वो तो खड़े हो गए हैं, और जिसको किस्मत बुलंद करानी है एक बार दोनों हाथ उठा के। हाँ जी, सब मस्ती में मस्त, कोई नहीं सुन रहा है। हाँ जी, इधर भी। और किस्मत बुलंद रातों रात, ताली बजा के। और किस्मत बुलंद रातों रात हो गई, सारे कहते हैं करामात हो गई। किस्मत बुलंद रातों रात हो गई, सारे कहते हैं करामात हो गई। करोड़ का बम्पर खुल जा, कुछ ज्यादा हो गए क्या, कम है? कम तो नहीं है ना, काफी है। हाँ जी, 70 करोड़ तो काफी रहेंगे, कम तो नहीं है ना। हाँ तो 70 करोड़ मांग लो। 70 करोड़ का बम्पर खुल जा,
70 करोड़ का बंपर खुल जा, इतना माल बतेरा से। पिछले साल घनी तारे पर इब के नंबर मेरा से। पिछले साल घनी तारे पर इब के नंबर मेरा से। पिछले साल घनी तारे पर इब के नंबर मेरा से। कह रहे हैं कि माँ तू कीर्तन तू कृपा कर मैया, कीर्तन करवाऊंगा। 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 कीर्तन कराऊं इतिहास बना दूंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। दिखाना जिसे चाहिए वो नाच के दिखाना, जिसे चाहिए वो नाच के दिखाना। दिखाना जिसे चाहिए वो नाच के दिखाना। रोज रोज मांगने का झंझट ही छोड़ दो, रोज रोज मांगने का झंझट ही छोड़ दो। रोज रोज मांगने का झंझट ही छोड़ दो, रोज रोज मांगने का झंझट ही छोड़ दो। जिसे जितना चाहिए वो मैया से बोल दो, जिसे जितना चाहिए वो मैया से बोल दो। आज अच्छा मौका है किसने किसको रोका है, आज अच्छा मौका है किसने किसको रोका है। आज अच्छा मौका है किसने किसको रोका है, आज अच्छा मौका है किसने किसको रोका है। बिल्कुल भी ना शर्माना, चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ बजाना। जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए। पद्मावती मैया की। आज सबको विदित है कि माँ की भक्ति के साथ साथ आज पूज्य माता जी का चातुर्मास स्थापना दिवस है। और चातुर्मास कलश के लिए हमने कुछ कूपन रखे हैं जो अब सीमित मात्रा में उपलब्ध हमारे पास हैं। मात्र 1100 रुपए में वो बाहर काउंटर से उसे प्राप्त कर सकता है। कौन पुण्यशाली होगा जिसके नाम ये मुख्य कलश
चार महीने की उपासना के बाद, आराधना के बाद ये कितना पवित्र होगा और किस पुण्यशाली के यहां ये जाएगा, वो तो अभी भविष्य के गर्भ में बंद है। क्योंकि चार महीने बाद जो कूपन आप खरीदेंगे उसी के लक्की ड्रा के अनुसार ये कलश उस सौभाग्यशाली को मिलेगा जिसका नाम उसमें निकलेगा। दूसरा, मंदिर जी के शिखर का कार्य प्रगति पे है, उसके लिए जो भी व्यक्ति, वैसे हमने 31 मेंबर रखे थे, एक एक रखे थे ना, इकतीस मेंबर हमने रखे थे, 15 हमारे पास उपलब्ध हो गए, वो 1,11,000 की वो राशि है। जो भी भाग्यशाली पुण्यशाली उसमें अपना योगदान देना चाहे वो हमें अपना नाम लिखा दे। और दूसरा, यहाँ पे एक चंदोवा बनना है मंदिर जी के अंदर, जिसमें 64 चवर लगने हैं और एक जोड़े चवर की कीमत मात्र 15,000 रुपए है। 19 जोड़े हमें प्राप्त हो चुके हैं अब तक, मात्र सब चीजों की लिमिटेशन है, मात्र 13 जोड़े अभी हमें चाहिए। जो बंधु अपना नाम उसमें लिखवाना चाहे वो अपना नाम हमें लिखवा देगा, मात्र 15,000 रुपए की राशि उसकी है। अब मैं दीपक जी के बीच में अधिक व्यवधान न डालते हुए केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि अभी माता जी का, क्योंकि चातुर्मास स्थापना है, पाद प्रक्षालन है, वस्त्र भेंट भी होने हैं, तो भाई दीपक सरगम जी के बाद में बीच बीच में हम इन कार्यों को करते चलेंगे। और उन्हें मैं आवाज दूं केवल इन चार लाइन के साथ कि नजरें मेरी बदल गई, नजरें मेरी बदली तो नजारे बदल गए, रुख कश्ती ने मेरा बदला, रुख कश्ती ने बदला तो किनारे बदल गए, और पतवार थामी, पतवार थामी माने हाथों में तो दरिया के धारे बदल गए, दरिया के धारे बदल गए। भाई सरगम जी, बोले चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। पहले तो एक बार जोरदार ताली आप अपने लिए बजाएं, बताऊंगा क्यों। अभी जब आदरणीय बता रहे थे सारी क्रियाओं के बारे में तो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी, सारा सन्नाटा था। अगर ऐसा ही माहौल अभी मिलेगा तो आनंद डबल हो जाएगा। एक बार दोबारा ताली बजा दीजिए, क्योंकि ऐसा माहौल बहुत कम मिलता है। अभी नजर की बात करी थी कि नजर, एक नजर प्रभु ने मुझसे भी लिखवाया है, मौका मिला तो सुना के जाऊंगा। नजर सुधारे नजर बिगाड़े, नजर की बात बताता हूं। नजर नजर में फर्क है कितना, जो समझा समझाता। आज बड़े ही भाग्यशाली हैं आप और आपके साथ साथ में जो माँ के चरणों में, मैं तो कहूँ दो दो माँ के चरणों में एक साथ हाजिरी भरने का मौका मिलता है। बड़ा सुंदर किसी ने लिखा है कि मैं दो दो माँ का बेटा हूँ, दोनों मैया बड़ी प्यारी है, एक माता मेरी जननी है और एक जग की पालन हारी है। इस दुनिया में हर चीज मिलती है भाग्य से, लेकिन ऐसी माँ मिलती है सौभाग्य से, जिसके 99 भाग्य भी जागृत होते हैं, यहाँ तक आकर वापस चला जाता है। अगर आपको बुलाया है, मुझे बुलाया है, तो यकीन मानो जब जब जरूरत होती है मैं यहाँ आ जाता हूँ, मेरा बुलावा अपने आप आ जाता है। जब जब उसे लगता है कि हाँ इसके पास कुछ कमी है तभी बुलावा भेज देती है। आज कोई राइटर नहीं हूँ, लेकिन हाँ फिर भी माता रानी के लिए दो लाइनें अपनी कलम से, अगर अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। बोले सरस्वती मैया की, मिजर मिजर मिजर।
करता हूँ हर काम में लेकर तुम्हारा नाम सरस्वती माँ आपको मेरा बारंबार प्रणाम। यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता कोई तुम सा नजर नहीं आता। झोलियां भर दी जाती है सबकी मगर देने वाला नजर नहीं। सरस्वती माप से है विनती बारंबार। सरस्वती माप से है विनती बारंबार यूं ही हम पर रहे बरसता यूं ही हम पर रहे बरसता माँ सदा तुम्हारा प्यार। किस किस की विनती है एक बार दोनों हाथ शर्म आए तो हाथ नीचे लेकिन अर्जी जो करना है एक बार दोनों हाथ ऊपर करें जो बाहर बैठे हैं वो भी उठा सकते हैं। सरस्वती माप से विनती बारंबार सरस्वती माप से माँ सरस्वती माप से विनती बारंबार। हाँ यूं ही हम पर रहे बरसता 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 माँ सदा तुम्हारा प्यार। सरस्वती माप से विनती बारंबार सरस्वती माप से विनती बारंबार। एक बार कोशिश करना ये विनती मेरे अकेले की नहीं है सबकी है और जिसकी होगी वो आवाज माता रानी के कानों तक जाएगी। यूं ही हम पर रहे बरसता यूं ही हम पर रहे बरसता माँ सदा तुम्हारा प्यार। सरस्वती माप से विनती बारंबार सरस्वती माप से विनती करें तालियों की सेवा ये बात ताली बजा रहे हैं वो अच्छे लग रहे हैं। हम बालक नादान तुम्हारे तुम तो मेरी माता हम बालक नादान तुम्हारे तुम वो मेरी माता हो। मेरा भाग्य बदलने वाली मेरी भाग्य विधाता हो मेरा भाग्य बदलने वाली मेरी भाग्य विधाता हो। जितने बैठे हैं सबकी अपनी अपनी कहानी होगी। जो पहले यहाँ से नहीं जुड़ा था इनके सानिध्य में नहीं था उससे पहले का जीवन हल्का उससे पहले का जीवन कुछ और था लेकिन जब से इनके सानिध्य में आए तब से जीवन कुछ और हो गया। ऐसा नहीं है जब माता रानी के भक्त उनके जीवन में दुख नहीं आते आते हैं लेकिन हाँ पहले घबरा जाते थे अब घबराते नहीं। रात अंधेरी देखकर दिल न बेकरार कर सुबह जरूर आएगी थोड़ा सा इंतजार कर। लेकिन हाँ जिसके पास सब्र है उसके पास सब कुछ है। हम बालक नादान तुम्हारे तुम तो मेरी माता हो हम बालक नादान तुम्हारे तुम ही हमारी माता हो। मेरा भाग्य बदलने वाली मेरी भाग्य विधाता हो मेरा भाग्य बदलने वाली तुम ही भाग्य विधाता हो।
मुझे जीवन भर तुम देना, मुझे जीवन भर तुम देना, हाँ मुझे जीवन भर तुम देना, मुझे जीवन भर तुम देना। माँ सेवा का उपहार सरस्वती माँ आपसे विनती बारंबार, आपसे विनती बारंबार। यूं ही हम पर रहे बरसता, यूं ही हम पर रहे बरसता, माँ सदा तुम्हारा सरस्वती। खुशियों से मैया झोली सबकी भर दो, खुशियों से मैया झोली सबकी भर दो। क्यों हर महीने बिना कहे आ जाते हैं, कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई रिश्ता तो जरूर हो। बिना मतलब के बंदा अपने घर ना जाए, यहां तो फिर भी बात है कि नहीं, क्यों आ रहे हैं? मन चरणों में लागा, मन चरणों में लागा। बोला करें, बोलना अच्छी बात है, ऐसी जगह तो बोलना चाहिए। हाँ मन चरणों में लागा, ओ मन चरणों में लागा, तुम संग बांध लिया अपने मन का धागा, तुम संग बांध दिया अपने मन का धागा, तुम संग बांध दिया अपने मन का धागा, तुम संग बांध दिया अपने कहीं सरस्वती माता की बढ़िया सी हो। माँ नाम है मीठी रोटी का, आप जहां से भी तोड़ेंगे मिठास कम नहीं होगी। ये वो शब्द है जो गूंगा भी बोल देता है। माँ बड़ा छोटा सा शब्द है, मेरा इंग्लिश में हार्ट टाइट है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है माँ को इंग्लिश में मदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोला करें, क्या कहा जाता है? मदर। मदर से हम एम हटा दें, बाकी सब यही महत्व हिंदी में है। माँ से मंदिर, माँ से मक्खन, माँ से मिश्री, माँ से मिठास, माँ से मलाई, माँ से ममता, माँ से बने हैं आप और मैं। एक बार इस माँ के लिए जोरदार ताली हो जाए, उसके बाद चलते हैं माता रानी के चरणों में। ए माइनर करना से। कि दरबार में हम चावाली के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, कर्मों के सताए लोग यहाँ चरणों से लगाए जाते हैं। और आप यहाँ आ रहे हैं तो ऐसी नहीं, कुछ भक्तों पर मेरी मैया की कुछ खास कृपा ही होती है, उनको ही संदेशा जाता है, वही दर पे बुलाए जाते हैं। कि जब से मिला है दर ये तुम्हारा, तुम्हारी
कसम जिंदगी मिल गई है, तुम्हें क्या बताऊं मैं, क्या क्या मिला है माँ, तुम जो मिली बंदगी मिल गई है, किया बड़ा उपकार माँ ऊंचा वाली ने, हाँ किया बड़ा उपकार माँ ऊंचा वाली ने, मेरी नैया लगा दी पार, ओ किया बड़ा उपकार माँ ऊंचा, ये बात हाँ मेरी नैया लगा दी पार माँ ऊंचा वाली ने, श्रद्धा से जिसने फैलाया है दामन, ओ श्रद्धा से, आय आय आय। अच्छा ये बताएं आज जलपान किस किस ने करा है, हाथ ऊपर करना ईमानदारी से, सब नहीं करा है लगभग, आवाज आपकी यहाँ तक नहीं आ रही। श्रद्धा से जिसने फैलाया है दामन, श्रद्धा से जिसने, उसके भरे भंडार माँ ऊंचा वाली ने, किया बड़ा उपकार ऊंचा वाली ने, हाँ श्रद्धा से जिसने फैलाया है दामन, श्रद्धा से जिसने बुलाया है दामन, हाँ उसके भरे भंडार पहुंचा वाली ने, किया बड़ा उपकार पहुंचा वाली ने, चिंता भला कैसी, काम सारे हो रहे इनकी दया ऐसी, वो काम सारे हो रहे इनकी दया ऐसी, हाँ हर सपना किया साकार माँ ऊंचा वाली ने, जय हो हर सपना किया साकार माँ ऊंचा वाली ने, ओ मेरी नैया लगा दी पार ऊंचा वाली ने, कांच से हीरा बनाया,
हो सर पे हमारे ये साया तेरा ये साया तेरा है सर पे हमारी ये साया तेरा ये साया तेरा नहीं कुछ भी अपना ये सब है तेरा ये सब है तेरा नहीं कुछ भी अपना ये सब है तेरा ये सब है तेरा बिना आपके जिंदगी कुछ नहीं कुछ नहीं माँ जहाँ आप हैं हर खुशी है वही जहाँ आप हैं हर खुशी हर वही हो फूलों भरी चाहे चाहे कांटो भरी हाँ कांटो भरी मिले जिस पे तू वो डगर चाहिए डगर चाहिए दीवाने हैं दीवानों को ये दर चाहिए ये दर चाहिए तुम्हारी कृपा की नजर चाहिए दीवाने हैं दीवानों को ये दर चाहिए तुम्हारी कृपा की नजर चाहिए कराने होते हैं तो मैं सबसे पहले श्रीमती पूनम जैन अनिल जैन मॉडल टाउन से निवेदन करूंगा कि वो आए और पूज्य माता जी के कर कमलों में शास्त्र भेंट करें क्योंकि उन्हें बाहर इसके बाद श्रीमती तनुज वो आए और पूज्य माता जी को वस्त्र भेंट करें श्रीमती रीता जैन मुकेश जैन और अब श्रीमती कपिला जैन आशीष जैन मॉडल टाउन पाद प्रक्षालन के लिए आ जाएं। अब जो सकारात्मक बात को भी नकारात्मक ले ले और एक वो व्यक्ति जो नकारात्मक बात को भी आप देखें लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आप बात नहीं करिएगा मैं ऐसी चीजें बड़ी कम जगह गाता हूँ आज और मेरी ये कमी मानो या ऊपर वाले की देन मानो जिनके घर में अच्छा बनता है वो बाहर से कम खाते हैं तो मेरे घर में अच्छा बनता है इसलिए मैं ज़्यादा घर का खाता हूँ बाहर का बहुत कम खाता हूँ खाते हैं लेकिन इतना नहीं खाते आदमी जो काम करता है उसकी वैसी पर्सनैलिटी बन जाती है हमारा काम ही ऐसा है अब किसी ने पूछ लिया कि आप करते क्या हो जी भजन गाते हैं अब भजन गाते हैं तो अच्छी बात है लेकिन काम क्या करते हैं अब फिर जवाब यही हो हम तो भजन गाते हैं कह रहे भजन गाना अच्छी बात है धर्म करो कर्म करो लेकिन काम क्या करते हो अब वो बंदा तो कह के चला गया अब यहाँ पेट में दर्द हो गया हमारे कि हाँ यार काम तो इसके अलावा कुछ करते नहीं वैसे में माता रानी हाथ छोड़ दे फिर ना इधर के ना उधर के ये एक बात सोचना सही होगा कोई इस दरबार में आकर कोई ये मांगता है कि माँ मुझे
इस मिल का मालिक बना दे या मुझे अपने चरणों का सेवादार बना ले, कोई ये बना दे कोई वो बना दे, हर कोई यहाँ कुछ ना कुछ आता बिगड़ गई लेकिन जाता बन के ही। इस दरबार की क्वालिटी है, इस दरबार के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो मैं यहाँ सबसे छोटा बच्चा, एक बच्चे की सोच कहाँ तक होगी, खेल खिलौना तक। तो मैंने अपनी सोच रखी है, अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ कि हम भी माता रानी के दरबार में यही बनेंगे तो कह देना मेरे साथ। आ जाओ सर। तेरे दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिमाग को सुरूर मिलता है, तेरे दर पे आने वाले कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। मैंने क्या बोला कि हाँ मुझे क्या बनाना, आप भी पहली बार सुन रहे हैं कि माँ मुझे नहीं बनना कोई बड़ा आदमी, मुझे नहीं बनना कुछ, लेकिन हाँ मुझे क्या बनना है, एक तेरे हाथों का झुनझुना। क्या बनना है, शर्मा क्यों रहे हो, झुनझुना बजू तो तेरे नाम ही निकले, और जब झुनझुना बन जाऊंगा उसके बाद चाहे जितना बजा ले मुझे, चाहे जितना नचा ले मुझे, चाहे जितना हंसा ले मुझे, चाहे जितना रुला ले मुझे, जानता हूँ तू देती मुझे मेरी किस्मत से भी सौ गुना, तेरे हाथों की कठपुतली हूँ, तेरे हाथों का मैं झुनझुना। थैंक यू। कितनी बढ़िया है किस्मत मेरी, तूने हाथों से मुझको बुना, और मैं जहां भी रहूं सब कहे आ गया माँ तेरा झुनझुना, मैं जहां भी रहूं सब कहे ऐसी पहचान हो जाए, मैं जहां कहूं तेरा नाम पहले आया मुझसे, लो आ गया, मैं जहां भी रहूं सब कहे आ गया माँ तेरा झुनझुना। क्या बिगाड़ेगा कोई मेरा, क्या बिगाड़ेगा कोई मेरा, तूने मुझको जो है अब चुना, एक दो की तो छोड़ो, जानता हूँ तू देती मुझे अपनी किस्मत से भी सोना, तेरे हाथों की कठपुतली हूँ, तेरे हाथों का मैं झुनझुना, अगर कम मिले तो शिकायत न करना, इनकी कृपा के इशारे समझना। भगवान को जिसे अपना पास रखना होता ना उसे संसार के सुख कम देता है। आप देखें, कभी आपने सुना है कि बिग बी अमिताभ बच्चन के यहाँ कोई भजन संध्या हुई है या कोई यज्ञ हुआ है, कभी सुना है, कभी अंबानी ने अपने घर पे कोई पूजा रखी नहीं रखी, कारण जिनके सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलहारी उस दुख को जो पल पल नाम रहता है। आप देखें जब तक आदमी खुश होता है भगवान से दूर ही रहता है, लेकिन हाँ जैसे ही जरा सा कष्ट आ जाता है उसे मंदिर याद आ जाता है, उसे पूजा याद आ जाती है, माला जाप याद आ जाता है। अगर कम मिले तो शिकायत न करना, इनकी कृपा के इशारे समझना, तुझे अपनी मैया पे भरोसा जो होगा, तुझे अपनी मैया पे भरोसा जो होगा, जो कुछ भी होगा
अच्छा ही जिसे विश्वास होता है ना कि हाँ यार जो होगा ठीक होगा। तुझे माता रानी पे भरोसा जो होगा जो कुछ भी होगा जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। कारण जीत जाएंगे हम जीत जाएंगे हम डर की क्या बात है हर कदम माँ मेरी जब मेरे हर कदम माँ मेरी जब मेरे साथ आदमी दो कंडीशन में रोता है या तो जब ज्यादा दुखी हो या जब ज्यादा खुश हो। आपने खाली आंसू याद रखना है कहां आना है या आप खुद समझ जाएंगे। इतना दिया मेरी माँ ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं ये सब कृपा है उनकी वरना मुझ में कोई औकात नहीं। आप मेरी उम्र हाथ मार के 20 से 22 साल पिछले एक महीने से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही कल भी नहीं थी लेकिन हाँ आए इरादे अब भी बुलंद अगर कुछ कमी लगे तो आप मेरी गलतियों पर ध्यान मत देना कोशिश ये देखना कि हाँ लड़का मेहनत तो कर ही रहा है ठीक है। कभी ये गम में कभी खुशी में निकल ही जाते हैं चार आंसू कभी ये गम में कभी खुशी में निकल ही जाते हैं चार आंसू मगर हो मैया तेरी याद में निकले हैं बेशुमार आंसू। हो मैया मैं तो तुम्हारे दर मैं रोज चौखट करूंगा गीली। कोई तेरे यहाँ चोला लेकर आता है कोई कुछ लाता है कोई कुछ लाता है मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं। और यकीन मानो चोला झूठा हो सकता है फल झूठे हो सकते हैं लेकिन ये झूठे नहीं होते जब तक नहीं आएंगे जब तक सच्चाई नहीं आएगी। ओ मैया मैं तो तुम्हारे दर मैं रोज चौखट करूंगा गीली क्योंकि मुझे भरोसा है एक दिन तो करा ही देंगे दीदार आंसू। ओ मैया तेरे सिवा जहां में मिला ना कोई भी साथी ऐसा। ओ मैया तेरे सिवा जहां में मिला ना कोई भी साथी ऐसा कि जो आके मुझसे ये पूछ लेता बता क्यों आए आंखों में आंसू। आप आनंद आ गया वसूल हो गया। यहाँ अगर ये तारीफ पंडाल में दो तरीके की सुनने को मिलती है एक एक यहाँ से बाहर निकले मजा आ गया और एक आनंद आ गया। अब देखे मजे का संपर्क है मन से आनंद का संपर्क है आत्मा से। जो मजे लेते हैं वो अलग है लेकिन हाँ जो आनंद ले रहे हैं वो यहाँ है। एक बार इस आनंद के लिए जोरदार ताली हो जाए। अब करना सर एक कर लो बेजर चालू बेजर मेरे पास फरमाइशें हैं एक दो उसके बाद। शरीर हमारा डेली नाश्ता है। अभी बाहर मुझसे कह रहे थे नचा भी देना ये कर देना शरीर डेली नाश्ता है कभी कभी मन भी नाचना चाहिए और जब मन नाश्ता है तो यकीन मानो डायरेक्ट मुलाकात भगवान से होती है।
ये भजन मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है और आशा करता हूँ आपको भी पसंद आए। बोले चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, कुछ ना जाने हम अनजाने, जानन हारा पारस जाने। कभी कभी आदमी की 10,000 की नौकरी नहीं होती और काम वो 10 लाख के कर जाता है। आपने खाली इतना कहना है मेरा पारस जाने, क्या कहना है और वाक्य में वो ही जानता है। फिर भी माफ करें, हम सब कुछ उसी से छुपाते हैं। जिस कंडीशन में प्रभु ने हमें देखा है किसी ने नहीं देखा, लेकिन गुस्ताखी माफ, सब कुछ उसी से छुपाया जाता है। मुझको क्यों औकात से ज्यादा, मुझको क्यों औकात से ज्यादा, बिन मांगे मिल जाए मेरा पारस जाने। मेरा पारस जाने, किसने मेरी कुटिया में, ओहो, किसने मेरी कुटिया में महलों के सुख बरसाए। मेरा पारस जाने, मेरा पारस जाने। आओ एक बार दोनों हाथ उठाएंगे सभी, आप भी उठा लो, कोई नहीं। मुझको क्यों औकात से ज्यादा, मुझको क्यों औकात से ज्यादा, बिन मांगे मिल जाए मेरा पारस जाने। मेरा पारस जाने, मेरा पारस जाने, मेरा पारस जाने। किसने मेरी कुटिया में, ओ, किसने मेरी कुटिया में महलों के सुख बरसाए। मेरा पारस जाने, ओ मेरा पारस जाने, मेरा पारस जाने, मेरा पारस जाने। सुख दुख सबके जीवन में आते हैं और जाते हैं, सुख दुख सबके जीवन में आते हैं और जाते हैं, पर जब भी मेरे ऊपर गम के बादल छाते हैं, पर जब भी मेरे ऊपर गम के बादल छाते हैं, हाँ कोई ना कोई छतरी ले गए, कोई छतरी लेकर साथ खड़ा हो जाए। मेरा पारस जाने, ओ मेरा पारस जाने, मेरा पारस जाने, मेरा पारस जाने। ये लाइनें सभी गाने, क्योंकि सबके साथ। ये घर गृहस्थी की चिंता, ये खर्चे भारी भारी, ये घर गृहस्थी की चिंता, ये खर्चे भारी भारी, ना जाने कौन उठाए ये सारी जिम्मेदारी, ना जाने कौन उठाए ये सारी जिम्मेदारी। हाँ कहाँ से आए कैसे आए, कहाँ से आए कैसे आए, कुछ भी समझ ना आए। मेरा पारस जाने, ओ मेरा पारस जाने, ओ मेरा पारस जाने, मेरा पारस जाने। और ये दो लाइनें मेरे लिए खुद के लिए। जिस दिन से मैंने पारस बाबा से नाता जोड़ा, बस कर्म करूं मैं अपना, बाकी सब इन पर छोड़ा। और छोड़ने का रिजल्ट देखिए क्या आया। मेरी चवन्नी जाने कैसे, मेरी चवन्नी जाने कैसे, रुपये में चल जाए मेरा पारस, हाँ मेरा पारस जाने। आपकी नजर का हुआ था एक बार 5 रुपए की चवन्नी, क्या बात है, एक बार जोरदार ताली हो जाए। सहारा दो, सहारा दो, एक दूजे को सहारा दो, सुना है आदमी ही आदमी के काम आता है। एफ शार्प माइनर करना एक बार, ये आपके लिए था सर, वो नजर की बात चली थी ना, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क भी एक बार आप बताना। मेरी तरफ से अंतिम भजन होगा, उसके बाद जैसे प्रभु इच्छा। नजर तीसरा एफ शार्प सर, नजर
सुधारे, नजर बिगाड़े। मैं नजर की बात बताता हूँ, नजर नजर में फर्क है कितना, जो समझा समझाता। आप ये भी काउंट करना कि इसमें नजर कितनी बार आई, और आने वाले जो दो अंतरे होंगे आपको ये बताना है कि बात हो कहां की रही। कि नजर सुधारे नजर बिगाड़े, मैं नजर की बात बताता हूँ, नजर नजर में फर्क है कितना, जो समझा समझा। कितनी बार नजर आया, क्या दयानी सुन रहे हैं, पांच बार कितनी बार, चार बार एक बार दोबारा सुन। कि नजर सुधारे नजर बिगाड़े, मैं नजर की बात बताता हूँ, नजर नजर में फर्क है कितना, जो समझा समझा। पांच बार। नजर गई जब उस लकड़ उस जोड़े को बचाया था, मुक्ति दिलाने की खातिर प्रभु ने नवकार सुनाया। कितनी बार नजर आया, एक बार। बात कहाँ की हो रही है, नजर गई जब उस लकड़ पे एक जोड़े को बचाया, मुक्ति दिलाने की खातिर प्रभु ने नवकार सुनाया। पद्मावती धरणेन्द्र बने वे तुमको आज बताता हूँ, नजर नजर में फर्क है कितना, जो समझा। अरे लास्ट लाइन सबके लिए, सबके लिए अरे बताना बात कहाँ की हो रही है। आए नजर उसको प्रभु पर वो मुख से नहीं बता पाए, नित प्रतिदिन जा करके वो अभिषेक प्रभु का करया। कहाँ की बात हो रही है, क्या बात है। आए नजर उसको प्रभु पर वो मुख से नहीं बता पाए, नित प्रतिदिन जा करके वो अभिषेक प्रभु का करया। कैसे आए ग्वाले को महावीर नजर बतलाता, नजर नजर में फर्क है कितना, जो समझा समझाता। और ये तो बात रही सर भगवान के स्तर की, अगर हम लोगों के स्तर की बात करें तो नजर का क्या असर है। नजर में इतना असर है कि वो पत्थर तोड़ गिराती है, अच्छी हो तो पुजवा दे, हो बुरी तो सर फुरवा। नजर में गिरना नजर से गिरना, नजर में गिरना नजर से गिरना, नजर की बात बताता हूँ, नजर नजर में फर्क है कितना, जो समझा समझा। थैंक यू, मेरी इतनी हाजिर शिकार करें। एक बार दोनों हाथ उठाकर जयकार लगाएंगे, बोले सरस्वती माता जी की जय हो, बोले पद्मावती माता की जय हो। रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे, माने चाहिए तो दोबारा फिर कहीं ना कहीं जरूर मिले। हमारी समिति के मुख्य संयोजक यहाँ बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए, और दीपक सरगम जी का कमेटी की ओर से क्षेत्र पर स्वागत करें। दीपक जी, दीपक जी को यहाँ स्वागत करिए। वैसे तो सभी हमारे कमेटी के सदस्य हैं। संजीव जी आप आगे आ जाओ भैया, हाँ अभी देर आ जी बस। और अब आता है हर माँ के भगता नच देने, भगता नच देने, नच देने हर बार मेला मैया दा, मेला मैया दा। की
नगरिया जयपुर की, मुकुट में कोही नूर कुंडल कानों में, कुंडल कानों में बंबई के मशहूर नगरिया जयपुर की, नगरिया जयपुर की। क्या बात है, ऐसा लागे मेरी माँ का भोला भाला मुखड़ा, ऐसा लागे मेरी माँ का भोला भाला मुखड़ा, जैसे अंबर से उतरा हो चांद का कोई टुकड़ा, चांद का कोई टुकड़ा, चांद का कोई टुकड़ा, काला टीका कोई लगा दो, काला टीका कोई लगा दो, नजर लगे जरूर चुनरिया जयपुर की, चुनरिया जयपुर की, कुंडल कोई दूर कुंडल कानों में, कुंडल कानों में बंबई के मशहूर चुनरिया जयपुर की, चुनरिया जयपुर की। पद्मावती रे मेरी पद्मावती, मेरी पद्मावती रे मेरी पद्मावती, तेरी ला तू चुनर मेरी पद्मावती, तेरी ला तू चुनर मेरी पद्मावती, हार दिलाओ पिछे दिलाओ, हार दिलाओ पिछे दिलाओ, माला सजाओ तेरी पद्मावती, पद्मावती मेरी पद्मावती, मैं तेरी लाडूर तेरी पद्मावती। मेरी मात चले धरती अंबर भी साथ चले, भैया चवरे भैया चवर ढुराए माए तेरे ही गुण गाए माँ, गजब श्रृंगार तेरा, जय हो गजब दरबार तेरा, गजब श्रृंगार तेरा, माथे की बिंदिया लाल लाल चूड़ी कंगन तेरे कमाल, माथे की बिंदिया लाल लाल चूड़ी कंगन तेरे कमाल, तेरी चुनरी ओए चुनरी ओए चुनरी लर ललाए चुनरिया जयपुर की, चुनरिया जयपुर की।
ना मैया तुझको देर ना हो जाए, देर ना हो जाए मैया देर ना हो जाए। तेरे दरस की मैया आस लगाए, कोई है भूल लाया कोई मिठाई, कोई है भूल लाया कोई मिठाई, किसने फलों की मैया टोकरी सजाई, किसने फलों की मैया टोकरी सजाई, मैया देर ना हो जाए। देखिए आरती होगी, आरती के तुरंत बाद आदि में तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि दे अगे मिटे तुम पद में ममनाथ चरण शरण है तट पर ले चलो करुणा कर जिनरा तरण सनमति सागर गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा से करुणा करो कर से दो आशी कर से दो आशीष कर से दो आशीष। जवलिया गणपति चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की 108 मुनि कुंजलाचार्य आदि सागर जी महाराज की 108 आचार्य सन्मत सागर जी महाराज की वर्तमान पटाचार्य सुनील सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की बंधु चातुर्मास क्यों स्थापित किया जाता है? चार महीने ही धर्म पर भावना सबसे ज्यादा होती है। जितना धर्म ध्यान चार महीने किया जाता है आठ महीने नहीं किया जाता। चार महीने ज्यादा होता है आठ महीने ज्यादा होते हैं, महीने आठ ज्यादा होते हैं, लेकिन ज्यादा धर्म ध्यान इन चार महीनों में ही किया जाता है। अभी वीर शासन जयंती आ जाएगी, सावन बदी एकम को जब पूजा पाठ हो गए भादो आ गया, नव दिवाली आ गई है, तो इंसान दस लक्षणी आ रही है उसमें व्रत उपवास करेंगे। जितने व्रत उपवास त्याग तुम चार महीने में करते हो इतने आठ महीने में नहीं करते। चार महीने में व्यक्तियों का काम भी कुछ कम होता है, बारिश के दिन ज्यादा होते हैं, तो व्यक्ति सोचता है चलो काम कम है कुछ मंदिर में टाइम लगा दें, दे नहीं लगा दें, वो भी मजबूरी में लगाते हैं। जो रोज मंदिर जाते हैं उनके लिए कोई मजबूरी नहीं है। आधे लोग तो मंदिर कब जाते हैं, जब सिर पे कुछ आन पड़ती है कि भगवान तेरा सहारा और कोई है ही नहीं, और वैसे कि भगवान तू तो कुछ है ही नहीं,
पैसे का सहारा है। सही है गलत है? जब यदि हमारे सिर पे बनी है मंदिर में कह दो 4 घंटे बैठना है, किसी को प्यास, खाने पीने की भूख, कोई रिश्तेदार, किसी की टेंशन नहीं है, ठीक है। और जब हम स्वस्थ हैं, सब कुछ है, अगर कह दो 4 महीने मंदिर में कुछ हो रहा है, चाहे 1 घंटा रोज बैठना है, तो हम 4 महीने लगातार मंदिर में नहीं आ सकते। क्यों? आज हमारा रिश्तेदार बीमार है, आज हमारा रिश्तेदार आ रहा है, आज बेटे का जन्मदिन है, आज किसी की एनिवर्सरी है, हमारे पे टाइम नहीं है। अगर हमने मजबूरी में भगवान को याद किया तो क्या किया? भगवान ही सब कुछ देते हैं क्या? बोलो भाई, भगवान ही सब कुछ देते हैं या नहीं देते हैं? तो रोज उसके दर पे क्यों नहीं आते? जब तक हमारी किस्मत नहीं है हमें कुछ मिलने वाला नहीं। वो तो सब कुछ देने वाला है, सब कुछ जानता है कि किसको कब किस चीज की जरूरत है। अगर वो ऐसी सबको यूं देता गया तो उसके मंदिर तो खाली रह जाएंगे। कि घर बैठे हमें मिल रहा है, मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। तो बंधुओं, विषय चल रहा है चातुर्मास का, मंगल कलश क्यों स्थापित किया जाता है? जिससे कि जब ये मंगल कलश हमारे घर में जाए किसी प्रकार का रोग शोक नहीं हो, किसी प्रकार की बाधा नहीं हो। हम हर एक कोई चाहता है कि मंगल कलश अपने घर में रखें, स्थापित करें, लेकिन यहां से ले गए जैसे बाजार से खिलौना लाते हैं अपने घर में ले जाकर रख दिया। जी हमारे तो बहुत सारे मंगल कलश हैं, उन पे सफेद धूल चढ़ रही है। हम जहां जाते हैं वहीं से एक मंगल कलश लाते हैं, इतने सारे क्या करेंगे? अगर हमारे घर में मंगल कलश है, हम उसकी पूजा अर्चना एक जाप डेली ओम रीम अरहम असी औसा नमा की रोज करें, तो आधी बाधाएं तो हमारी ऐसी टल जाएंगी। नमोकार मंत्र के जाप करने में टाइम लगेगा, ओम रीम अरहम असी औसा नमा की जाप करने में टाइम नहीं लगेगा। सबसे छोटा मंत्र और इतना भी नहीं है तो खाली ओम की कर लो, अगर वो भी टाइम नहीं है तो जुल्लू भर पानी में डूब मर। हकीकत है ये, व्यक्ति कहता है जी मैं परेशान हूं, घर में खाने को भी नहीं है, मंदिर मेरी घरवाली जाती है, मैं तो जाता नहीं। तो घरवाली करेगी तो पुण्य तो वो कमा रही है जी, वो कमा लेगी आधा मुझे दे देगी, तुम अपनी आधी कमाई घरवाली को दे रहे हो क्या? और ये पुण्य कोई किसी को नहीं दे सकता। जो मंदिर में दर्शन करेगा, पूजा पाठ अर्चना करेगा, स्तुति करेगा, तो उसी का बैंक बैलेंस जमा होगा। घर वाला करेगा तो घर वाले का, घर वाली करेगी तो घर वाली का। अच्छा खाना दोनों खाते हो, एक खाते हो? दोनों खाते हो ना, जब तो नहीं कहते कि घर वाली ने खाया मेरा पेट भर गया, बताओ कोई कहता है? नहीं ना। तो अगर दोनों को चाहिए सब कुछ, घर में जितने भी मेंबर हैं, हर कोई कैसी काया चाहता है? निरोगी काया। और क्या चाहते हैं? कि ये भगवान चाहे हम कुछ अब करें ना करें, हमारा अंत में समाधि मरण हो। इतना तो वो भी पागल नहीं है कि अब तो तुम कुछ करो नहीं और अंत में जब
चार भाई पे पड़े हो, मंदिर जा नहीं सकते, उस समय कहोगे भगवान मेरा समाधि मरण करा दे, तो वो थोड़ी समाधि मरण कराने आएगा। अगर हमें अपना भविष्य खुद बनाना है तो कुछ करना पड़ेगा, अगर नहीं बनाना, जैसे कहते ना मुट्ठी बांधा आया जगत में हाथ पसारा जासी, जैसे आयो वैसे चले जाओ, कौन तुम्हें याद कर रहा। कम से कम हम संसार में आए हैं, मनुष्य जन्म मिला है, उच्च कुल मिला है, कुछ ऐसा करके जाएं, जाने के बाद लोग याद रखें कि हाँ फलाना जगह का बंदा था, उसने कुछ किया। नाम तो दोनों चीज में होता है, अच्छाई में भी और बुराई में भी, लोग दोनों में तुम्हारा नाम लेंगे, लेकिन अच्छाई में नाम होता तो अपने घर में भी चर्चा करते हैं। जैसे किसी नगर में बहुत बड़ा सेठ हो और वो पूरे नगर की व्यवस्था करता हो, मंदिर की पूजा की व्यवस्था पूरे साल की वही करता हो, तो लोग क्या कहते हैं, हमारे नगर का सेठ है ये, हम चाहे कुछ मंदिर में देना दें, हमारे मंदिर में सामग्री की व्यवस्था की कभी कमी नहीं है, हमारे नगर के लाला जी करते हैं, वो तो किसी की नहीं सुन रहा। तो कुछ ऐसा करके जाओ जो कि बाद में भी हमारा नाम लिया जाए। तो बंधुओं चातुर्मास है, कुछ ना कुछ चार महीने के लिए छोटा छोटा नियम करें जिससे कि हमारा भविष्य बन सके। हम भी चाहते हैं, लोग कहते हैं हम भी चाहते हैं कुछ करें, लेकिन कुछ पूजा पाठ करो तभी कुछ होए जी। एक माला दे दो, कुछ एक दुकान हो जाए, एक मकान हो जाए, अगर एक एक माला से एक मकान और एक दुकान हो जाए तो ये जो सड़क पे घूम रहे हैं ना, कोई भी नजर नहीं आएंगे। आएंगे कोई नहीं तो माला फेरे तो सही। बहुत से कहते हैं हम तिजारा जाते हैं, तिजारा वाले बाबा ने, बड़े गांव वाले बाबा ने, इस क्षेत्र में पार शिखर जी सबको तार दिया, मेरा नंबर नहीं आया। जब तूने बीज ही नहीं बोया तो फसल कहां से काटेगा। सोचो अगर धरती नहीं है, बीज डाला नहीं, और धरती भी है, बीज नहीं डाला तो फसल कहां से काटोगे। तो कम से कम बीज तो डाल लो, जब बीज डालोगे फसल अपने आप हो जाएगी। जैसे घर में पौधे लगाते हो, एक छोटा सा पौधा लगाते हो कितना विशाल हो जाता है, उसमें पानी की जरूरत है ना। ऐसे ही अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए संयम की, और कम से कम एक माला रोज नमोकार मंत्र की जपने की जरूरत है। पौधा हो गया हमारा शरीर, और माला जाप हो गई पानी, ठीक। जब हमारे शरीर में जाप नहीं होगी तो निरोगी काया भी नहीं होगी। अगर हमारी काया निरोगी है तो तुम 10 की बजाय 15 मिनट भी बैठोगे तो कम से कम 5 मिनट के देव दर्शन छोटी दिवाली तक जो जाते हैं उन्हें तो हम कुछ नहीं कह रहे हैं। जो नहीं जाते सिर्फ 5 मिनट का समय कौन कौन देगा मंदिर में, इतने सारे जने बैठे हैं। जो जाते उनकी बात नहीं कर रहे, जो नहीं जाते उनकी बात कर रहे हैं। सभी डेली मंदिर जाते हैं, तुम तो नहीं जाते डेली। हाँ हाँ भाई, डेली मंदिर है बबीता का, नहीं है ना। अरे भगवान, नहीं जाते हो चाहे नहीं जाते हो, वैसे जाते हो, कभी मजबूरी आ गई या भगवान ने तुम्हारे दर्शन के लिए बुला लिया है। 5 मिनट कोई ज्यादा नहीं है, और 4 महीने का समय है। जैसे अभी कहा था 4 महीने धर्म ध्यान के हैं, मैं ये नहीं कहती कि 1 महीना 1 घंटा लगाओ 2 घंटे लगाओ, सिर्फ 5 मिनट।
अगर कोई तुमसे ये पूछे तुम्हारे मंदिर में कितनी प्रतिमा जी विराजमान है, तुम बता नहीं सकते, क्योंकि रोज जाते नहीं हो। कम से कम ये तो देख लो कि हमारे मंदिर में कौन कौन बैठा है, कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले। चलो ठीक है, अगली बार ना चौकी में यही रखेंगे, जो जहां जहां से आएगा। मंदिर में कितनी वेदियां हैं, कौन कौन से तीर्थंकर हैं, उनके चिन्ह क्या। चलो इस बहाने मंदिर तो जाओगे, ठीक है। सब अपने अपने मंदिर में जाएंगे। 21 अगस्त की चौकी है, शैलेंद्र जैन कौशाम्बी वालों की तरफ से 21 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 21 अगस्त की चौकी और 21 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे मंदिरों के बारे में और थोड़ा आसपास के बारे में भी, ठीक है। और सबको दिवाली तक का नियम है, सिर्फ 5 मिनट मंदिर में जाना है, अपना चेहरा दिखाना है, 5 मिनट जब दे देने। सुनील ये कह रहे हैं जो जो मंदिर नहीं जाते और 4 महीने तक डेली मंदिर, जिसकी बीच में प्रॉब्लम पड़ जाए वो बात दूसरी है, ठीक है, वो काउंट होएगा। जिस दिन 16 अक्टूबर को लकी ड्रॉ खुलेगा उस दिन उसको यहाँ सम्मानित किया जाएगा, लेकिन जो आज से और 15 अक्टूबर तक डेली जाएगा, ठीक है, पक्का नियम। जो नहीं जाते उनके लिए नियम है ये। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। दुनिया देखी श्रद्धानुवती माता सरस्वती, निज ज्ञान का दीप प्रज्वाल के आज उतारू आरतिया। गुरु मिले सनमति सागर जी, पुण्य उदय में आया, देख विलक्षणता गुरुवर ने चाल के मैं आज उतारू आरतिया। श्रद्धानुवती माता सरस्वती, निज ज्ञान का दीप प्रज्वाल के मैं आज उतारू आरतिया। नगर नगर और गांव शहर में ज्ञान की ज्योति जगाई, धर्म की रक्षा है माता सरस्वती, निज ज्ञान का दीप प्रज्वाल के मैं आज उतारू आरतिया। बाल ब्रह्मचारी हो तपस्वी संयम रत्न पाल के, दीप दीप नहीं बुझने पाए चरणों में इसे संभाल के, मैया चरणों में इसे संभाल के। श्रद्धानवती माता सरस्वती, निज ज्ञान का दीप प्रज्वाल के मैं आज उतारू आरतिया। पद्मावती माता दर्शन की बलिहारिया, मातेश्वरी माता दर्शन की बलिहारिया, पार्श्वनाथ महाराज विराजे मस्तक ऊपर थारे, मैया मस्तक ऊपर थारे, इंद्र फणेन्द्र नरेंद्र सभी माँ खड़े रहे तेरे द्वारे। पद्मावती माता दर्शन की बलिहारिया, मातेश्वरी माता दर्शन की बलिहारिया, जो जीव थारो शरणो लीनो सब संकट हर लीनो, मैया सब संकट हर लीनो, पुत्र पोत्र धन संपत्ति देकर मंगल में कर दीनो। पद्मावती माता दर्शन की बलिहारिया, मातेश्वरी माता दर्शन की बलिहारिया, डाकन शाकन भूत भवानी नाम लेत भग जायो, मैया नाम लेत भग जायो,
वात पीत कफ रोग मिटे और बलिहारिया मातेश्वरी माता दर्शन की बलिहारिया। जब जब विपद पड़ी भक्तों पर रक्षा तुमने कीनी मैया रक्षा तुमने कीनी। बैरी का अभिमान चूर कर इज्जत दुगनी दीनी पद्मावती माता दर्शन की बलिहारिया। मातेश्वरी माता दर्शन की बलिहारिया। दीप धूप और पुष्प हार ले मैं दर्शन को आयो मैया मैं दर्शन को आयो। दर्शन करके मात तुम्हारे मन वांछित फल पायो पद्मावती माता दर्शन की बलिहारिया। मातेश्वरी माता दर्शन की बलिहारिया। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना पद्मावती माता दर्शन की बलिहारिया। मातेश्वरी माता दर्शन की बलिहारिया। पार्श्वनाथ मन तेरा मंदिर आके दिया बाती होटो की है थालियां बोल बोल पाती। रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती आरती हो मैया आरती हो पद्मावती मैया तेरी आरती हो हमचा वाली मैया तेरी आरती। मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती होटो किए थालियां बोल फूल पाती। रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती आरती हो मैया आरती हो मैया आरती हो मैया आरती हो हमचा वाली मैया तेरी आरती।